हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मामे की रसोई। आज हम घर पे बना रहे हैं सबके फेवरेट वेज मंचूरियन विद ग्रेवी, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बना लेते हैं। यहाँ हम बना रहे हैं 3 से 4 लोगों के लिए वेज मंचूरियन ग्रेवी वाली। इसके लिए हमने ले लिया आधा कप गोभी, आधा कप गाजर, आधा कप शलजम, इनको कद्दूकस कर लिया है, आधा कप लिया है शिमला मिर्च, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, 4 बड़ी चम्मच मैदा और 3 बड़ी चम्मच पनीर, इसको भी कद्दूकस कर लिया है, 2 छोटी चम्मच टोमेटो सॉस लिया है, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा और 6 से 7 हरी मिर्च, इनको बारीक चॉप कर लिया है, 1 बड़ी चम्मच क्रश की हुई मटर जिसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया है, 1 बड़ी चम्मच बीन्स, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है, नमक लिया है स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 छोटी चम्मच लाल देगी मिर्च, इससे अच्छा कलर आता है, और 3 छोटी चम्मच लिया है सोया सॉस, 1 बड़ी चम्मच लिया है कॉर्न स्टार्च। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे, ले लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल और डाल लेते हैं इसमें सारी सब्जियां। अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे, जीरा, लाल देगी मिर्च, चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार और सोया सॉस थोड़ा सा डालेंगे 1 चम्मच के लगभग और मैदा डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो सब्जी में मॉइस्चर होता है ये उसी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और ये मिक्स हो चुका है, अब बना लेते हैं बॉल, छोटी बड़ी जैसे भी आपको पसंद हो उसी के अकॉर्डिंग बना लीजिए। इस तरह से बना लेनी है मंचूरियन बॉल, ये देखिए इसी तरह से सारी मंचूरियन बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। ऑयल हमने गर्म होने रख दिया है फ्राई करने के लिए, ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक करके मंचूरियन बॉल डाल लेंगे। यहाँ पर आप पहले एक बॉल डाल के देख लें, अगर आपकी बॉल फट रही है तो उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर लीजिए। और ये देखिए हमारी बॉल नहीं फटी है, ये परफेक्ट बनी है। इनको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही डीप फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर इनको नहीं तलना है क्योंकि अगर इनको हाई फ्लेम पर तलेंगे ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से ब्राउन हो जाएगी, जिससे इनमें अंदर कच्चापन रह जाएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इनको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, इस तरह से घुमाते रहेंगे गोल्डन होने तक। और ये गोल्डन हो चुकी है, अब इनको निकाल लेंगे प्लेट में। और इन्हें फ्राई करने में लगा है 5 से 6 मिनट का समय, क्योंकि हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई किया है। इसी तरह से और भी मंचूरियन बॉल्स हम बना लेंगे, उनको भी डीप फ्राई कर लेंगे। अब बना लेते हैं इधर ग्रेवी, इसके लिए हमने 2 प्याज लिए, इनको बारीक चॉप कर लिया है। कढ़ाई में ले लेते हैं 3 चम्मच ऑयल और इसमें डाल लेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे, यहाँ पर आप जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, मैंने इनको नहीं डाला है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर लेंगे, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और डाल लेंगे सोया सॉस 2 चम्मच छोटी वाली, और इसमें ऐड कर लेंगे टमाटो सॉस,
अब इनको अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच पानी डाल लेंगे जिससे प्याज अच्छे से भून जाए और जले नहीं। अब इसमें हम कॉर्न स्टार्च का घोल डालेंगे। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, आपको ग्रेवी जितनी थिक चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड कर लीजिए। यहाँ पे हमने 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाला है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि मंचूरियन बॉल्स में हम पहले ही नमक डाल चुके हैं, ये ग्रेवी के अकॉर्डिंग ही हम इसमें नमक डाल रहे हैं। और इसमें डाल देंगे पानी 1 कप और थोड़ी सी चीनी 1/2 चम्मच छोटे वाली स्वीटनेस के लिए। अब इसको पकने देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। ये उबाल आ चुका है, 3 से 4 मिनट पक चुकी है। अब इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल लेते हैं और इन्हें डालने के बाद 30 से 40 सेकेंड इन्हें पकाएंगे जब तक उबाल आता है। और रेडी हो गया हमारा वेज मंचूरियन ग्रेवी वाला। इसको हमने गार्निश किया है हरे धनिया से, हरी प्याज से। आप भी बनाएं वेज मंचूरियन ग्रेवी वाली और खाएं, और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे साथ, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।